दोस्तों, पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं यहीं पर हमारा घर है। इसी के वातावरण में हमारा शरीर डेवलप हुआ है और इसी के वातावरण में रहने के हम आदि हैं। पृथ्वी हमें 15 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान के साथ एक अच्छा रहने लायक वातावरण देती है। जब हमारे यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है तो स्थिति असहनीय हो जाती है। मगर इसके विपरीत ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह मौजूद हैं जहां का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। उन ग्रहों की स्थिति हमारे मनुष्य के लिए कितनी भयानक हो सकती है। आज हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में हजारों रहस्य दफन हैं। अगर उन सभी रहस्यों का हम पर्दा उठाने जाएंगे तो हम दिमाग की क्षमता को खो सकते हैं। ब्रह्मांड में कई ग्रहों का तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो हमारे शरीर के टिश्यूज को कुछ ही सेकंड में जमा कर रख देगा। वही कुछ ग्रहों का तापमान इतना ज्यादा है जो हमारी बॉडी को पलक झपकते ही पिघलाकर आग बना देगा। हमारे सौरमंडल से बाहर भी कई ग्रह हैं जिनका वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। सौरमंडल के बाहर अन्य तारों पर जिन ग्रहों की खोज हुई है उनको एक्सोप्लेनेट कहा जाता है। लेकिन धरती के अलावा सभी ग्रह की स्थितियां कमोबेश ऐसी है जिस वजह से वहां जीवन संभव नहीं है। कुछ ग्रह का तापमान हवा की रफ्तार आदि के मामले में तो काफी खतरनाक है। तो आइए आज आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही ग्रहों की शेयर करवाते हैं। वहां पर हम उतरेंगे तो नहीं, ऊपर से ही काम चला लेंगे, क्योंकि उतर गए तो फिर हमारी जान को खतरा हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आप अंतरिक्ष के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रहस्य मीडिया को डाउनलोड करें, जहां आप अंतरिक्ष को आसान भाषा में समझ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नंबर एक पर है HD 189733B। दोस्तों, इस एक्सोप्लेनेट को वैज्ञानिकों ने 5 अक्टूबर 2005 में खोज निकाला था। यह आकार में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के बराबर है। पृथ्वी से यह प्लैनेट 63 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर हम प्रकाश की गति से धरती से रवाना होकर यात्रा करते हैं तो भी इस ग्रह तक पहुंचने में हमें 63 साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में प्रकाश से ज्यादा तेजी से गति कोई नहीं कर सकता है, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की है। प्रकाश एक सेकेंड में करीब 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। 81,358 किलोमीटर रेडियस वाला यह ग्रह आपको नरक की याद दिला देगा। यहाँ 8,700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, यानी यहाँ हवा की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी 7 गुना ज्यादा है। हवा के अलावा यहाँ की बारिश भी काफी खतरनाक है। इस ग्रह पर कांच की बारिश होती है, वही कांच जो हमारे पैरों में थोड़ा सा भी चुभ जाने पर हम हाय तोबा मचा देते हैं। ये सुनने में भी हमें भयानक लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में हो जहां पर पानी की बजाय कांच की बारिश होती हो। जहां तक हमारी नजर जाए वहां तक कांच ही कांच नजर आए, तो वह जगह हमारे लिए नरक से कम नहीं है। अब इस कांच की बारिश के पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, यहां पर कांच की बारिश के पीछे का राज यहां का सिलिका से बना एटमॉस्फेयर है। सिलिका एक कांच जैसा ही पदार्थ होता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में इसी सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बरसते हैं तो यह सिलिका ठंडा होकर कांच की शक्ल में गिरता है। ये गोली की रफ्तार से भी तेज है। अगर किसी मजबूरी से आपको इस ग्रह पर जाना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर दो पर है COROT 7b। उग्रता की चरम सीमा से भरा यह ग्रह नरक से कम नहीं है। एक्सोप्लेनेट COROT 7b अपने सूर्य जैसे हॉट स्टार के इतने करीब है कि इसके आकाश में से सूरज को देखने पर हमारे सूर्य से 360 गुना बड़ा नजर आता है। इस ग्रह का सूर्य की तरफ वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा गर्म है, जहां की जमीन पर आपको केवल उबलता हुआ लावा ही नजर आएगा। इस नरक के समान ग्रह का तापमान 1980 डिग्री सेल्सियस से लेकर
2300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह तापमान यहाँ पर चट्टानों को वाष्पीकृत कर इसके वातावरण में भेज देता है। जब ये वाष्पीकृत चट्टानों के बादल आकाश में ठंडे होते हैं तो इस ग्रह की जमीन पर छोटी छोटी पत्थरों और कंकड़ों की बारिश होती है। इस ग्रह के सूर्य की तरफ रहने वाले हिस्से में एक गर्म दुनिया है, तो इसके विपरीत पीछे वाला हिस्सा एक बेहद ही ठंडी दुनिया है, जहां पर इसका तापमान शून्य से लेकर हजारों डिग्री माइनस में है। यानी यह ग्रह एक तरफ गर्म है तो दूसरी साइड तरफ बहुत ही ज्यादा ठंडा। एक ही ग्रह पर दो प्रकार की दुनिया पाई जाती है। ये जगह ब्रह्मांड में सबसे भयानक जगहों में से एक मानी जाती है। धरती से 480 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस एक्सोप्लेनेट की खोज फरवरी 2009 में हुई थी। यह शनि ग्रह के आकार का है। अपने तारे को 7,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से परिक्रमा करता है। यहाँ का भयानक तापमान हमारे इंसानी शरीर को पलक झपकते ही जलाकर राख कर देगा। यहाँ पर हम इंसानों की जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है। नंबर 3 पर है केल्ट 9b। इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष दूर से खोज निकाला है। अब तक मिले सभी एक्सोप्लेनेट में केल्ट 9b सबसे गर्म है। यह ब्रह्मांड के ज्यादातर तारों से भी गर्म है। यह एक ऐसी गर्म दुनिया है जहां पर हम इंसानों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार बृहस्पति जैसा दिखने वाला यह ग्रह एक विशाल तारे केल्ट 9 की परिक्रमा करता है। इस ग्रह को एक परिक्रमा करने में 1.5 दिन का समय लगता है। दिन के समय इस ग्रह का तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य के सतह के तापमान से करीब 1300 डिग्री सेल्सियस ही कम है। यूं कहे तो केल्ट 9 भी सूरज की सतह से केवल 1300 डिग्री सेल्सियस ही ठंडा है। हमारे सौरमंडल में शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। शुक्र पर दिन के समय में तापमान करीब 460 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्ट 9b ग्रह 30 करोड़ साल पुराना तारा है। इस बात का पता एक रिसर्च में सामने आया। इस ग्रह का वातावरण एक गुब्बारे की तरह है, जिसमें बड़ी मात्रा में गैस मौजूद है। रिसर्च में सामने आया कि बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण यहां पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मिलने की संभावना नहीं है। रिसर्च के मुताबिक यह तारा 30 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था, जो स्टार टाइम के मुताबिक काफी नया है। नंबर 4 है WASP-121b। फुटबॉल जैसा दिखने वाला यह ग्रह अपने तापमान की वजह से खतरनाक है। यहाँ का तापमान करीब 2540 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां ठोस या द्रव अवस्था में चीजें नहीं होती है, हर चीजें गैस अवस्था में ही पाई जाती हैं। WASP-121b केवल अपने स्टार की कक्षा पूरी करने के लिए 1.3 दिन लेता है। यह विशाल गैस ग्रह बृहस्पति के आकार का लगभग 2 गुना है। यह उसके साथी सितारों के करीब ही स्थित है। अपने मेज के पास होने के कारण इसके मदर ग्रह से प्रकाश WASP-121b को गर्म करता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 900 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार हमारा वहां पर पहुंचना असंभव है। नंबर 5 पर है OGLE-2005-BLG-390LB। नाम काफी बड़ा है। 10 अगस्त 2005 को खोजा गया यह ग्रह पृथ्वी से 21,530 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है। इस ग्रह की रेडियस यानी कि त्रिज्या 10,770 किलोमीटर है। हमारे अपने मिल्की वे में स्थित यह ग्रह अपने काफी कम तापमान की वजह से रहने लायक नहीं है। यहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह का तापमान अंटार्कटिका के सबसे ठंडे इलाके से भी कम है। पृथ्वी की कक्षा से लगभग 3 गुना अधिक दूरी पर एक तारे का 5वां हिस्सा सूर्य की परिक्रमा करते हुए नए खोजे गए ग्रह के आकार का है। हालांकि खगोलविदों को संदेह है कि यह ठंडा ग्रह जीवों को बनाए रख सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में अन्य चट्टानी ग्रहों के अवलोकन के अवसर लाएगा।
जहां तापमान तरल पानी और जीवन को बनाए रखने के लिए एकदम सही है। दोस्तों, इन ग्रहों का सफर करके आपको इस बात का तो अंदाजा लग गया होगा कि आज तक हम पृथ्वी से बेटर कोई भी ग्रह नहीं खोज पाए हैं। ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर इंसानी सभ्यता निवास करती है। अभी भी हमारे वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में खोज कर रहे हैं और तलाश है एक ऐसे ग्रह की जिस पर हम पृथ्वी की तरह ही रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। अब दोस्तों, इन ग्रहों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अंतरिक्ष की हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन रहस्य मीडिया को डाउनलोड करें। रहस्य मीडिया आपको तथ्य के साथ जानकारी प्रोवाइड करवाता है। तो फिर देर किस बात की? वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।